कन्या उत्थान योजना की राशि निर्गत करनी है तो बिहार बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की छात्र संघ इकाई ने DSW को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरपुर कच्ची पक्की चौक से रामदयालु रेल गुमटी तक नाला के बहाव को अवरुद्ध करने पर होगी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में गैंगवार बाइक सवार बदमाशों ने मुखिया के भाई को गोलियों से भून डाला। नवादा में करंट लगने से युवक की मौत। टीवी ठीक कर रहा था युवक, प्लास्टिक छिलने के लिए विद्युत प्रवाहित तार को मुंह में ले बैठा, मौके पर ही मौत। एक महीने पहले हुई थी शादी। बिहार में 2 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। नेपाल बॉर्डर और उसके आसपास के 7 जिलों के लिए विशेष चेतावनी। प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली गिरने की भी आशंका। बेगूसराय में पुलिस का शर्मनाक कारनामा। शादी के अगले दिन लड़की को नाबालिग बताकर ससुराल से उठाया, 3 दिन थाने में रखा, पति धरने पर बैठा तो कोर्ट भेजा। पटना में ट्रांसजेंडर को गौरव गृह में दिया जाएगा व्यवसायिक प्रशिक्षण। आर्थिक रूप से सशक्त कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की शुरुआत। पटना में टीका की कमी। शहरी क्षेत्र के 18 विशेष केंद्र पर ही आज टीकाकरण। जिले के शेष शहरी और ग्रामीण टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला CBI जांच की मॉनिटरिंग कराने की याचिका पर सुनवाई टली। अक्टूबर से डीजल ऑटो पर रोक, नहीं आया CNG किट। पटना में 3 माह के अंदर बाजार में नहीं आया CNG किट तो पेट्रोल व डीजल से चलने वाले 15,000 ऑटो हो जाएंगे बेकार। पर्यावरण प्रबंधन समिति में बोले प्रमंडलीय आयुक्त, एयरपोर्ट के सभी कर्मियों का टीकाकरण अनिवार्य, यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। राजधानी के 5% इलाकों में जल जमाव। 1997 में एक दिन में बरसा था 201 mm पानी। इस साल 25 जून को 4 घंटे में हुई 167 mm बारिश। पटना में सबसे अधिक 38 कोरोना संक्रमित मिले। बिहार में कोरोना के 190 नए मामले। दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण। 7 जिलों में एक भी नया केस नहीं, 3 में सिर्फ एक। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क में फिर संशोधन। पटना में स्कूल कॉलेज सब्जी मंडी को भी देना होगा कचरा शुल्क। नाले में गोबर फेंका तो गौशाला पर जुर्माना। 6 नई उप श्रेणियां बनाई गयी। कंपनी के बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करने का आदेश। पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के खिलाफ रेरा के अंतरिम आदेश निरस्त। राजद के सिल्वर जुबली स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे लालू। 3 वर्ष 7.5 माह बाद 5 और लालू से किसी सियासी कार्यक्रम में रूबरू होंगे राजद नेता और कार्यकर्ता। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता खत्म। राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला। EVM और बैलेट दोनों से होंगे चुनाव। अगले महीने अधिसूचना की संभावना। STET पास अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। नौकरी की गारंटी लेने मंत्री का आवास घेरने जा रहे थे अभ्यर्थी। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 2 दर्जन अभ्यर्थी घायल। मंत्री बोले, ये नौकरी की मेधा सूची नहीं। बाल विवाह रोकने को नए सिरे से काम करेगा निगम। एडोलेसेंट एम्पावरमेंट स्कीम के तहत किशोरियों के लिए चल रही योजनाओं को किया जाएगा समेकित। LJP के चक्कर में फंसा केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार। 5 जुलाई की आशीर्वाद यात्रा पर BJP की निगाह देखना चाहती है चिराग में रामविलास वाली चमक है या नहीं। भागलपुर से लापता हुए 4 बच्चों की राजधानी से बरामदगी। बोले, पटना घूमने का मन था, सूरत एक्सप्रेस से किया सफर। भागलपुर में थाने से चंद कदम दूर स्थित स्कूल से 40 पंखे ले उड़े चोर। किसी को भनक तक नहीं लगी। आंखों का सफल ऑपरेशन कराकर दिल्ली से पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सब कुछ ठीक है। मोतिहारी में 75 किलो गांजा बरामद। SSB जवानों ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक तस्कर भी गिरफ्तार। नेपाल से लाया जा रहा था गांजा। तांत्रिक बता पति पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। औरंगाबाद में अंधविश्वास में डबल मर्डर। 5 महीने पहले बेटी की मौत के बाद झाड़ फूंक पर लगा रहे थे आरोप। गंडक में पलटी नाव, 2 लापता। बगहा में गंडक नदी में पोल से टकराई नाव, डूब रहे 9 से 7 को स्थानियों ने रेस्क्यू किया, 2 की तलाश जारी। विदेशों में भी महक बिखरेगी। बिहार का तेजपत्ता उत्पादन में अग्रणी जिला बना किशनगंज। बिहार में बनेगा दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड पार्क। शहनवाज हुसैन ने मुंबई में उद्योगपतियों संघ की बैठक। धनबाद में NH2 पर सड़क दुर्घटना। सवारियों से भारी तेज रफ्तार बस ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। ड्राइवर समेत 24 जख्मी, 4 की स्थिति गंभीर। 3,000 नावें रोज लुटती हैं 12 करोड़ का बालू। सबसे बड़ा आश्चर्य, इन्हें न पुलिस प्रशासन देख पाता है और न ही सरकार। रोक के बावजूद खनन कैसे? माफिया की जेब में रोज 48 से 60 करोड़ रुपए।
नदी में डूबने से मजदूर की मौत। बक्सर में शिवपुर घाट पर नदी पार करने के दौरान डूबने से मजदूर की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद शव को ग्रामीणों ने निकाला। बुलेट ने ट्रक को मारी टक्कर। बेगूसराय में तेज रफ्तार से आ रही बुलेट का बिगड़ा बैलेंस, ट्रक में मारी टक्कर, बाइक राइडर की मौके पर ही मौत। पटना में कोरोना को लेकर हो जाए अलर्ट, चार दिन में एक भी मौत नहीं, लेकिन नए संक्रमितों की संख्या बढ़ी, 24 घंटे में डबल हो गए केस। छपरा मंडल कारा में छापेमारी, भारी पुलिस बल के साथ डीएम एसपी ने 2 घंटे तक की छापेमारी, मोबाइल चलाते हुए वायरल हुई थी तस्वीरें। तीन नाबालिग को दलाल की चंगुल से छुड़ाया, मोतिहारी के सुगौली स्टेशन पर धराया झारखंड का दलाल और किस्टा में डांस करवाता था, जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10 चरणों में पंचायत चुनाव की तैयारी, गया प्रशासन ने तैयार किया खाका, नक्सलियों की वजह से 10 चरणों का प्रस्ताव, डेट की घोषणा सरकार के आदेश के बाद। कोरोना से अपनों को गंवाया, सर्टिफिकेट के लिए परेशान, भागलपुर के JLNMCH कर्मियों की लापरवाही, मृतकों के बेटी बेटी भाई भटक रहे। पटना शिफ्ट हुई मुंगेर की अवैध असलहा फैक्ट्री, एसटीएफ की कार्रवाई में खुलासा, अवैध रूप से पिस्टल बना रहे मुंगेर के साथ बदमाश अरेस्ट, पुलिस के रडार पर अब हथियार खरीदने वाले। विवाहिता की पीट पीट कर हत्या, नवादा में दहेज के लिए ससुराल वालों ने बहू को मौत के घाट उतारा, जब तक पुलिस पहुंचती शव को जला डाला। डूबने से पॉलिटेक्निक छात्र की मौत, बेगूसराय में तालाब में स्नान करने गया था 17 साल का युवक, डूबने से मौत, नवादा से कुछ ही दिनों पहले आया था घर। मधुबनी में बाढ़ की शक्ल में सामने आया बारिश का पानी, लोग हो गए अपने अपने घरों में कैद। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोरोना से मौत होने पर परिवार को मिले मुआवजा, सरकार खुद तय करे राशि। देश में 81 दिन बाद सबसे कम मौतें, 24 घंटे में 45,951 नए केस, 97% रिकवरी रेट। दरभंगा में कल से नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्डों में चलाया जाएगा टीकाकरण अभियान। कॉलेज में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों को बड़ी राहत, पीयू में दाखिले की प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू। गायघाट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 ट्रक से भरी मात्रा में शराब बरामद, 9 गिरफ्तार। पूर्व महापौर जयप्रकाश ने लगाया हाउस टैक्स, कैंप वैक्सीन ले चुके लोगों को 3% अधिक छूट। महंगाई और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ जाप का हल्ला बोल, बैलगाड़ी पर बाइक रखकर जताया विरोध। मुजफ्फरपुर में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट, महाराष्ट्र से प्याज लेकर आया था ड्राइवर, लूट का विरोध करने पर मारा चाकू, कारोबारियों ने किया सड़क जाम। सिवान के हुसैनगंज PHC में डेटा एंट्री ऑपरेटरों की 6 महीने से सैलरी बंद, भुखमरी की कगार पर ऑपरेटर। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।